एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो, ऐसा कोई राज्य स्थापन हुआ क्या? जब राज्य स्थापन नहीं हुआ तो विनाश कैसे हुआ? सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं, सूक्ष्म में बुद्धि में स्थापना हो रही है, बुद्धि में विनाश भी हो रहा है। बुद्धि समझने की बात है। 76 में विनाश की घोषणा की थी तो कोई 76 में विनाश हो रही होगी दुनिया में? दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण थे बेसिक पार्टी में, उनका बेसिक वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे, अभी भी जा रहे हैं। जो जहीन वर्ग है बेसिक में, वो सारा घुस करके इधर आ रहा है। इसीलिए तो बोला है, जब बाप आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े अहदेदार सब मूर्ख बन जाते हैं। जो आत्माएं कन्वर्ट होंगी ब्रॉड ड्रामा में, वही जैसे अभी विष्णु पार्टी करके अलग जरूर जाएंगी तो दूसरों को बाप बनाएंगे। वहां भी धोखा दिया था, द्वापर कलयुग में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ भी कन्वर्ट हो रहे हैं। पता है कि विष्णु तो कोई अलग से रूप नहीं, हो तो कॉम्बिनेशन है चार आत्माओं का, फिर भी वो लोग कैसे पार्टी बना के बैठ जाते हैं? में ये तो आता है कि देखो अभी ब्रह्मा का पार्ट रहा, शंकर का पार्ट रहा, विष्णु तो भी क्लियर नहीं हुआ, तो विष्णु अम्बन का भी बैठ गए। लेकिन वो तो सत्य रूप में होगा ना, तो उनको वो बुद्धि में क्यों होगा? विष्णु कोई सत्य की चीज है, इन देवता है सत्य के, संगम के, संगम नहीं प्रत्यक्ष होना है, जो बातें प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो संगम में प्रत्यक्ष होगी या सत्य में प्रत्यक्ष होगी? ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना हुआ, शंकर के द्वारा समझना समझाना हुआ, तो प्रैक्टिकल कौन करेगा? प्रैक्टिकल करने वाले भी कोई होंगे, जरूर प्योरिटी वाले होंगे, जिनमें प्योरिटी की जन जन्मांतर की ज्यादा ताकत है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मतलब वही संगम युग का अंतिम समय होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए पहले ही बता दिया, एक रानी मक्खी निकलेगी उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। अभी तो कहीं छोटू पुटू कोई ब्रह्मा कुमारी निकल पड़ती है एडवांस पार्टी में, वो भी एडजस्ट नहीं हो पाते। ऐसा भी टाइम आएगा कि ढेर की ढेर निकले, रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन आ गया, दोबारा समा दोबारा भी समर्पण समारोह मनाएंगे। ऐसे नहीं समझना है कि ये पहला समर्पण समारोह, लेकिन वो सब पॉइंट्स में उनका वो सुनने के लिए आते हैं, वो बात तो ध्यान ही नहीं देते एडवांस पार्टी तरफ, उस समय ध्यान ही नहीं जाता, इतना नशा चढ़ जाता है कि यहाँ सरेंडर हुए हैं, अब आगे चल करके प्रैक्टिकल में भी भगवान मिलेगा जिसको सरेंडर करना पड़ेगा, सोचते ही घबरा जाते हैं। वो तो दीदी दादी को ही समझे बैठे, दीदी दादी के सामने ही सारा पैसा वैसा और तो सारी चीजें जैसे दुनिया में होता है वैसे वो दिखा देते हैं। पूरा दहेज के संबंध, दहेज हो गया, समर्पण हो गया, उसी नशे में रहते हैं। लास्ट में पता चले गया था वो, उनका हाल क्या होगा पता नहीं है, उनका हाल क्या होगा पता नहीं क्या वो हद की दुनिया का सब देख के थोड़े से ये महल माड़िया टनिया देख के उसी में वो कुछ
हो गए हैं। हाँ। अब लास्ट में पता चलेगा एडवांस नॉलेज का। कुछ होने वाले हैं, वो भी तो कोई धर्म के होंगे ना, कोई धर्म से कनेक्टेड होंगे ना, उनके अंदर ऐसे ही संस्कार थोड़े वो कुछ होने वाले हैं। उनके संस्कार ऐसे हो तो वही चीज अच्छी लगेगी, संस्कार इस टाइप के होते हैं, उसी चीज की तरह एफिनिटी होगी, उसी चीज से डर जाएंगे। तो कीड़ा नाली में पड़ रहा है, उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरी जगह में रखना और तेल में लगे कला से कला हो जाता है, उसको नहीं अच्छा लगता है। संस्कार है लोगों को लालच दिखाने के लिए। मैं बोलती हूँ बाबा का ये डिस्कशन क्लासेस में बहुत राज खोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इतना हंसी मजाक हो जाता है। नहीं, हमको राज पहले मेरे को वो सब पढ़ने के लिए शौक रहता था, क्या बोलेंगे अब बाबा क्या बोलेंगे करके, लेकिन अभी कुछ नहीं, बस बाबा के हृदय के ऊपर राज करना है हमको। ऐसे करके बाबा को पता है, अब तो उन्होंने बाबा अपनों को ब्रह्मा बाबा को बना दिया। हाँ, बस ब्रह्मा बाबा ही उनका भगवान हो गया, भगवान तो बस वो उसी में मस्त है। अगर थोड़ा भी अगर उन लोगों को बोलूंगी फिर वो कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बोलूंगी करके सोचती हूँ, लेकिन नहीं, वो तुरंत दबा देते हैं, आगे नहीं बढ़ा नहीं देते। नहीं, वो तो उनमें से जो बड़ी बड़ी इंचार्ज बहने हैं वो तो जानती हैं अंदर से ऐसी है, लेकिन जो असिस्टेंट बहने उनको कुछ पता नहीं, उनको दबा के रखे हैं, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बात नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो अंधश्रद्धा से फॉलो करती है, स्वामी भक्त बन के रहती है, समझते हैं यही हमारी प्राप्ति है, उसी में खुश रहते हैं। बस सतयुग के अंदर जो 2 करोड़ आत्माएं जो होंगे इन्हीं लोग ही आएंगे ना, ये नंबर पर सात नारायण, हाँ, 8 7 नारायण और 7 की प्रजा, हाँ, वही तो ऊपर से उतरते हैं और उनके साथ साथ उनकी प्रजा उतरती है सतयुग, वही अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है। इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि जो इनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखो, क्यों नहीं, तो फिर हमें तो अपनी दुनिया बनानी है ना, आखिर हमारी दुनिया में आएंगे कि आएंगे, हाँ। जब आएंगे ही हमारी दुनिया में तो हम उनके प्रति दुर्भावना कैसे रखें, जैसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए थे वैसे इधर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा एक बीके में आत्मा है, उसके 2 कन्या सेंटर में रहते हैं वहाँ, हाँ बीके में, मैं उनको एडवांस का सुनाया भाई को, उनको बहुत अच्छा लग रहा है एडवांस का ज्ञान, और उनको सूर्य का साक्षात्कार भी हुआ है, और वो क्या है ना बाबा अपने कन्याओं के कारण वो एडवांस में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम एडवांस में चले गए तो हमारी कन्याओं के ऊपर अत्याचार होगा। हाँ बाबा, और कन्याएं समझ नहीं रही है, हाँ, कन्याओं की इस तरह बुद्धि में बैठा दिया गया है जो बात ही नहीं सुनती, तो वहां पे अपन कैसे सेवा करेंगे बाबा, उस भाई को कैसे अपन एडवांस में लाएंगे? ज्ञान सुनाते रहो, अच्छा लगता है तो सुनाते रहो, ज्ञान को भी बल का आ जाता है, कोई पॉइंट ऐसा तीर लग जाएगा तो किसी की परवाह नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, अभी उनके बंधन जो बंधे हुए हैं वो जब टूटेंगे तब वो ज्ञान को पंत कृपाण को धारा, जैसे रस्सियां है कटारी से काट दी जाती है, ऐसे ही ज्ञान की तलवार है, धारदार तलवार होगी तो काम कर जाएगी, धारदार बने योग या अपने में ही कमी है, मतलब है। सुनो,
सुनाते रहो, जो सुनता है उसको सुनाते रहो। हाँ बस वही बाबा, नहीं तो फिर नहीं देना, ये तो हमारी बात मानता ही नहीं, तो फिर क्या हो जाता है, फिर करने के लिए तो कभी कहना ही नहीं चाहिए, कहना ही नहीं। अच्छा, जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो एक सेकंड रुकेगा ही नहीं, निश्चय बुद्धि दौड़ेगा, हमको आप ही ले चलो, हम रुक नहीं सकते। हमें उनको ये भी बोला बाबा कि आपकी जो कन्याएं बीके में हैं उनको अपन एडवांस के लिए बात कर लेंगे, जो बीके में सेवा कर रहे हैं एडवांस में करेंगे, ऐसे भी उनको सलाह दी है हमने। सलाह तो दी है, लेकिन जो बीके के आदि पड़ जाते हैं अच्छा अच्छा खाने पीने के, एडवांस का सादा भोजन कुछ पसंद नहीं आता, एडवांस के जो साधारण मकान आते हैं, सादा रहन सहन है, उनको रास नहीं आता है, उनको वो कपड़े ही अच्छे नहीं लगते, संगी साथी अच्छे नहीं लगते, यहाँ तो सारी गरीब कन्याएं समर्पण हो रही है, और वहां तो आलिशान महलों में रहने वाले आ रहे हैं, बाबा गरीब निवाज गरीबों को उठा रहा है, और गुरु लोग रईसों को उठाते हैं, बेसिक में जितनी ब्रह्म कुमारियां सेंटर हुई है शुरुआत में भी और अभी भी, वो सब पैसे वाली है, उधर कम पैसे वालों को तो लेते ही नहीं, पहले कहते हैं लाख दो, कितने दोगे, 50,000 दोगे, लाख दोगे, 2,00,000 दोगे, कितने दोगे, नहीं तो 4-4, 5-5 साल रखते रहो ऐसे। शुरुआत में मतलब कब बाबा, जब बीके में जो सत्ययुगी सृष्टि की वो हो रहा था साक्षात्कार, उस समय या उसके बाद? उस समय भी और अभी भी। और उसका फाउंडेशन फाउंडेशन डालने वाला कौन है? ब्रह्मा कुमारी बीके में नॉलेज में जो भी चल रहा है उसका फाउंडर कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा लखपति करोड़पति थे कि गरीब थे? लखपति थे, लखपति करोड़पति थे, उस समय के लखपति आज के करोड़पतियों से भी ऊंचे ऊंचे, 4,00,000 समर्पण किया ब्रह्मा। तो फिर बाबा शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार क्यों लिया बाबा? मतलब जैसे गरीब निवाज है शिव बाबा, तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का सारे की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में होती है। इसका निमित्त कौन बनेगा? कोई ना कोई आत्मा तो बनेगा, बनेगा। सुनने सुनाने का निमित्त कौन बना? जिसने सिर्फ सुना और सुनाया, न समझा, न समझा, अगर समझा होता तो यज्ञ के आदि में जो यज्ञ पिता था वो यज्ञ से जाता ही नहीं, जाने ही नहीं देते, संघर्ष होता ही नहीं। मैं ये बोल रहा था बाबा, जैसे शिव बाबा गरीब निवास है तो ब्रह्मा बाबा के तन में जैसे प्रवेशता हुई उनकी, तो क्या वो जो उन्होंने बोला है कि शिव बाबा गरीब निवास है, तो क्या वो कट नहीं होता है क्या? मुरली जो लिखे हैं, बताए हैं, बताते हैं, लिखते हैं, वो तो बाबा ने लिखवाया होगा बाबा। मुरली जो बोली गई है वो मुरली सिर्फ बोली गई है या समझी भी गई है? बोली गई है, बोली गई है, तो सुनना और सुनाने वाली चीज है वो, जैसे वेद बने द्वापर में, तो वेदों को, वेदों की जो ऋचाएं हैं वो लोग आज पढ़ते हैं लेकिन उनको समझते नहीं है क्या है, उनका अर्थ नहीं जानते, वेदों की ऋचाओं की फिर उनकी व्याख्या निकली, आरण्यक बने, उपनिषद बने, ब्राह्मण बने, ढेर सारे ग्रंथ बने गए, उनकी व्याख्या निकली, तो ये शूटिंग कहाँ होती है? वेद तो वेदवाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकलती है, शास्त्र में भी लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेद वेद निकले, तो वेदवाणी तो आ गई लेकिन उसका अर्थ क्या है समझा नहीं गया तो बेकार हो गया। तो अगर हम ये कहें कि शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके रईसों को उठाया,
रईसों की कन्याओं को उठाया, संगठन रईसों का बन गया, लेकिन वो प्राप्ति करने वाले बने क्या? उनको विश्व वैसा ही मिलनी है क्या? नहीं, तो फिर बात तो गलत हो गई कि गरीबों को उठाता हूँ, रईसों को उठाया तो उनको रईसों को प्राप्ति नहीं हुई, काम निकाल लिया बाबा ने तो कहा है कि जो भी होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब जो काम उनसे निकालना है निकाल लिया, निकाले क्योंकि वो भी जो पार्ट बजाया है कल्याण का ही तो है इस यज्ञ के लिए, ठीक है, लेकिन उनके लिए तो कल्याणकारी, हाँ हाँ उनके स्वयं के लिए नहीं, कल्याणकारी नहीं हुआ। ये जो अभी जो अभी भी जो चलता है मेघा, जो उसमें तो कोई निकलता भी मुश्किल से, उसमें सब सफेद कपड़ों वाले जाके बैठ जाते हैं या पब्लिक आदमी जाके बैठता है, इलाहाबाद में सेवा हुआ था, कितने दिखावा हो गया सर, मेरी ख्याल मतलब मेरा मंथन चलता है, हो सकता है कि लास्ट में जो बाबा का प्रत्यक्षता होगा तो उसमें जो आम पब्लिक ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है वो तो इस मेगा प्रोग्राम में जान जाता, नहीं पर कोई भी आज कोई कोई तो अभी भी नहीं जानता, लेकिन इस मेगा प्रोग्राम में जानता होगा ब्रह्मा कुमारी कोई चीज है, तो बाप का जो अंत में प्रत्यक्षता होगा तब उनको ये लगेगा, ये मेरे ख्याल से शुभ कुछ हो ऐसा कुछ ये है क्या, मतलब बाबा का जो अंतिम समय पूरा विश्व को पता चलना चाहिए कि बाप पाया हुआ है, तो उसके लिए जो आम पब्लिक को जो ब्रह्मा कुमारी कुछ है, ब्रह्मा कुमारी का वो कुछ है क्या बाबा उसके लिए? ये कहना चाहते हैं कि मेगा प्रोग्राम से क्या प्रत्यक्षता में अंत में हेल्प मिलेगी क्या? नहीं प्रत्यक्षता में हेल्प नहीं मिलेगी, प्रत्यक्षता ज्ञान और योग के आधार पे होती है, पब्लिक के आधार पे नहीं होती। बाप के बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या दुनिया के बड़े बड़े लोग प्रत्यक्ष करेंगे? नहीं, बच्चे करेंगे, बच्चे बाप के बच्चे तो ज्ञानी और योगी होगी, यही बाप है, यही बाप है, हाँ बाप है, तो वो नहीं समझेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो मेगा प्रोग्राम में वो समझने वाले कोई समझते हैं क्या बाप? नहीं नहीं, वो तो कोई बनते भी नहीं है, करने वाले वो ही नहीं समझ रहे, कोई बनते ही नहीं, और मेगा प्रोग्राम करने वाले वो मुरली को तो ध्यान ही नहीं देते, वो देहधारियों की बातों में चल रहे हैं, मुरली क्या कहती है, मुरली में क्या बोला गया है, अद्वैतवाणी क्या बोल रही है, वो पॉइंट तो आते ही नहीं है, करते नहीं, और उन लोग खुद बाप को जानते ही नहीं है बाबा। हाँ जी, जानेंगे कैसे? हाँ तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, है ना, कर नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा कहने का मतलब है, संदेश में बोला कि मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर सका, प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, ये अहंकार था, मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, ढेर सारी किताबें लिखवा रही, आप रियलिटी जानने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा, रियलिटी जानेंगे भी तो भी अपने दुख वाली आत्मा में प्रवेश कर सकेंगे, ऐसे दो चाहे जगदीश भाई के शंकर में प्रवेश कर जाए, पार्वती में प्रवेश कर जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, कुमार का दादी है, 12-13 दिन ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ रखा सूक्ष्म बदन, जाओ अपने अपने ग्रुप में सेवा करो, जाए क्या जन्म ले लेंगे, साक्षात्कार में दिखाते हैं संदेश में कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया, क्या जन्म ले लिया था, तो बेहद की बात है, नेपाल माने नहीं पालने वाले हैं, नहीं पालने वाले संगठन में मतलब प्रवेश किया, जन्म की बात है।